हेलो दोस्तों। तो आज फिर समझाने वाले हैं कि घूमने यार, देखते हैं अभी क्या करना है। आज मैं अभी जगह हूँ, कितना टाइम हो रहा है, 11 बजे। 11 बजे जगह, फिर मैंने नाश्ता किया जो कल का बचा हुआ था, कल रात का खाना था, मतलब आज मेरे लिए नाश्ता था, क्योंकि यार बहुत दिन के बाद मैंने रोटी बनाई थी। मतलब रोटी क्या था, वो पराठा था, और पराठा अच्छा बन गया, तो मैंने बहुत सारा बना लिया। और अंडा का भुजिया बनाया था, तो वही कल बच गया था, तो अजी आज वही खा के एकदम टंच हो गया हूँ, और नहाया भी नहीं हूँ, तभी निकलूँगा बाहर। क्योंकि यार गर्म पानी रहता है लेकिन ठंडा तो है ना बाहर, क्यों रिस्क लेना भाई। आए हुए दूसरे देश में, नहा के निकल जाएंगे, फालतू में सर्दी वर्दी लग जाएगा। अभी ठंडा उंडा का नहीं लगवाना है, तो इसलिए अभी निकला तो नहीं जाए। निकलते हैं अभी बाहर और देखते हैं यार क्या है। मुझे सिम लेना है भाई, सिम मतलब। और कल निकला था मैं शाम को, तो उधर कुछ अलग ही सीन था भाई, लोग मेकअप वेकअप करके, और वो जो हम लोग फैंटेसी देखते हैं ना, हथकड़ी हथकड़ी, वो लोग पहन के घूम रहे थे। मतलब ये सही है, तो अभी चलते हैं बाहर, अब देखते हैं क्या सीन है यार। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो मौसम देखो एकदम प्यारा हो रखा है। मौसम हमेशा प्यारा रहता है भाई, मौसम हमेशा ही प्यारा रहता है। तो चलते हैं अभी, ड्रेस पहनते हैं। कल मैं गया था मॉल यार, ये थम कुछ तो है, ये सस्ता था, मतलब चीज़ें सस्ती थी, इंडिया इतना ही था, ज़्यादा महंगा नहीं था। और अभी बस चल रहे हैं रेडी होके, चल कपड़ा पहनते हैं। अभी रेडी हो गए हैं और अब निकलते हैं बाहर यार। बस ऐसे ही बस पहन लिया था, टी शर्ट लिया कल का, तो आज पहन लिए। और यहाँ पता है यार, मतलब इंडिया में हम लोग का लार्ज होता था, यहाँ सीधे शॉर्ट स्मॉल पे आ गया है। मतलब मीडियम लार्ज हम इंडिया में ढूंढते थे, यहाँ सीधे स्मॉल ढूंढना पड़ रहा है भाई। और ये भी मुझे थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा ही है, एक्स्ट्रा स्मॉल ढूंढना पड़ेगा। फिट मैन, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो स्मॉल पहनते होंगे, जैसे एक मेरा लड़का है सूरज, मतलब मेरा एक भाई है सूरज, तो वो स्मॉल ही पहनता था, वो यहाँ क्या पहनेगा। तो कुछ कुछ ऐसी बातों को देख ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं अभी यार। मुझे सिम लेना है और बैंक अकाउंट का थोड़ा लफड़ा फड़ा है, तो उसका अभी काम करना पड़ेगा, वो उसके बाद ही कुछ होगा यार। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का नज़ारा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो चलते हैं। और आज का सब काम हो ही गया ऑलमोस्ट, कुछ नहीं हुआ है, लेट से बहुत थके, दिमाग ख़राब हो रहा है, और रूम पे बड़े बड़े बस बोर ही हो रहा है। तो चलो अच्छा सिटी घूम लेते हैं। और मैं एक और बता दूँ यहाँ का, की बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, की मतलब ऐसा चीज़ है कि आपको हमेशा संभाल के रखना है। मतलब अगर की ख़त्म हुआ, मतलब खोया अगर, तो आपकी 1 साल का ब्लॉक अमाउंट जो हमारा है वो गया। क्योंकि यहाँ ये लोग ऐसा नहीं कि आपके बस रूम का चेंज कर देंगे, इट्स नॉट दैट सिंपल। ये जितना इस फ्लैट में जितना भी रूम है, सबका ही लॉक चेंज करेंगे भाई, इनके यहाँ वो चाबी बनवाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसा है, इसलिए चाबी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाबी संभाल के रखना, कहीं जाना तो अभी चाबी यही है भाई, अमानत। मतलब यहाँ मेरे पास तो बस यही है, चलते हैं अभी। तो हो गया हमारा सब काम धाम तैयार, ये अपना, और अभी चलते हैं बाहर। बस अब मैं इसको अनप्लग करता हूँ। ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं, जैसा है भाई। ओके फिर, चाबी हो गया, पासपोर्ट, पासपोर्ट डन, कार्ड, कार्ड, यप,
डन 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 डन, आज तो सिम लेके आएंगे, आज सिम तो लेके आएंगे। ये हो गया तो बारिश हो रहा है। ओ नहीं यार, बारिश हो रहा है। फक तो दोस्तों जाने का प्लान तो है लेकिन बारिश होना है, तो या तो मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा या तो छाता लेना पड़ेगा। तो छाता मेरे पास अभी आया नहीं, तो इसलिए मुझे जैकेट ही पहनना पड़ेगा। तो यार बारिश बंद हो गया और अभी निकल रहे हैं बाहर। टाइम भी बढ़िया हो गया है, अभी जाएंगे बस सिम लेना ही है और एक बंदे से बात चल रही रूम के लिए, तो देखते हैं अगर वो रिप्लाई करते हैं तो ठीक है। बाकी यार पता है जब निकलते हैं ना तो घर से डिसाइड कर लेना पड़ता है कि कहाँ जाएंगे कहाँ से आना, क्योंकि भटक नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सिम नहीं है मेरे पास, तो नेट नहीं आ पाता है हर जगह। लेकिन यहाँ कहीं कहीं सेंटर वगैरह पे वाई फाई रहता है तो काम चल जाता है अपना। बाकी ठीक है चलते हैं बाहर। तो ये है यार यहाँ की प्यारी गलियाँ, और भाई यार मतलब यार स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है भाई ऐसे ब्लॉग करने में यार, लेकिन मैं करूँगा भाई करूँगा। और आज तो मतलब अभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो उसके वजह से थोड़ा सा और भीड़ भीड़ है। बाकी अभी चलते हैं बान ऑफ के पास, बान ऑफ के पास जाके फिर वहाँ से पकड़ना है गाड़ी, देखते हैं यार अभी। और यार सच में भाई थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है। बाकी ये भाई बहुत प्यारा भाई, एकदम तगड़ा लग रहा है। ये देखो यहाँ कुछ कैसा व्यू है भाई, ये पता नहीं कौन सा चर्च है लेकिन बहुत प्यारा है, मुझे एकदम सेंटर टाइप लग रहा है। और ये लग रहा है कि भाई सिटी पुरानी है भाई, देख रहे हो बाबा आदम के ज़माने का। तो दोस्तों अभी हमने सिम ले लिया है यार, वो लग रहा है कि हम थका गए भाई। चला एक दोस्त बता रहा था कि 10 यूरो में मिल जाता है रिचार्ज के साथ, ये यहाँ हमसे कह रहा है कि 5 यूरो का सिम है और 10 यूरो का रिचार्ज। 15 यूरो यार नया है ना तो कुछ बोल नहीं सकते ना साला, ये समझ में नहीं आता कि कितना का होगा। तो ठीक है 15 यूरो का ले लिया, उसमें 6 GB दिया है हमको और महीने भर का मतलब जर्मनी में पूरा फ्री है और इंटरनेशनल शायद 200 मिनट है। तो देखते हैं अभी घर पे कॉल लगाएंगे डायरेक्ट ऐसे ही 49 से, बढ़िया लगेगा मज़ा आएगा। तो यार अभी बस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि अभी सिम मिल गया तो खोने का तो डर है नहीं, तो अभी घूम रहे हैं। और अभी यहाँ जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो अपना कॉलेज का लाइब्रेरी है वहाँ एक बार जाके देख ले कैसा क्या सीन है। और यार इधर व्यू देखो यार कितना प्यार लग रहा है, मतलब भाई हर वोकन सिटी बहुत प्यारी है भाई इधर देखो। मतलब ये है ना कैसे लेयर बाई लेयर बना हुआ है कि सबसे ऊपर घर है फिर उसके नीचे 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 वो वाला, तो बहुत तगड़ा लगता है भाई। अभी बस चल रहे हैं सिटी। यार मैं बताऊँ तो यार जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई मैं बहुत नर्वस हूँ भाई, बहुत नर्वस, मतलब अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा ना। मान लो किसी ने पूछ लिया क्या ही कर रहे हो, तो भाई 250 सब्सक्राइबर है भाई, मैं क्या बोलूँगा कि यूट्यूब कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है भाई कर रहे हैं बस, तुम लोग करो यार सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो भाई, थोड़ा बुरा लगता है भाई इधर। बाकी ठीक है यार अभी क्राउड में मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्राउड में कभी करूँगा। बाकी चलते हैं अभी शार्प के पास, मतलब बिल्डिंग जो बिबलियोथेक है। तो यार अभी बस मिल गई है और बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है 800 मीटर, लेकिन मिल गई बस तो ले लेते हैं। पैसा भी है भाई 49 यूरो, अभी मैं तो मैं ज़्यादा घूमा भी नहीं, लेकिन प्लान कर रहा है कि घूमने का सोच रहा है तो सकता है आम्स्टरडम चले जाएँ क्या, या फिर पेरिस थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाएगा, या फिर मतलब दोस्तों यही है, देखो वो आ गया, यही हमारी बिल्डिंग है मतलब यूनिवर्सिटी वाली, वो हाँ वो आ गया। और ये भी है, इधर से जितना भी सब बिल्डिंग है वो यूनिवर्सिटी का ही है। एक तो यहाँ समझ में पता है, एक तो यहाँ ये समझ में नहीं आता ना कि कौन सा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है और कौन सा रेसिडेंट है। मतलब यहाँ यहाँ जैसे कि ये बगल में हो गया ये रहने वाला है, और उसी के जस्ट बगल में
यूनिवर्सिटी हो गया। तो यार यहाँ वो जो अपना इंडिया में है ना कि कैंपस वाला सिस्टम, कि ये कैंपस हो गया, कैंपस के अंदर ये वो फलाने का, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। यहाँ इनको जगह मिल गया, यहाँ लाइब्रेरी बना दी है, यहाँ जगह मिल गया, यहाँ ऑफिस बना दिए, फिर ऐसे ही जोड़ दिए। भाई अलग सिस्टम है भाई। मतलब ऐसे तुम देखोगे, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का कैंपस अगर तुम देखने लग जाओगे, पूरा शहर ही तुमको दिख जाएगा कि अच्छा एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग यहाँ है। और अभी रेड लाइट है तो नहीं पार कर सकते हैं, ऑल दो खाली है फिर भी पार नहीं कर सकते। देखो वहाँ ये बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है जो भी है, झंडा वंडा लगा के। तो यार ऐसे ही है भाई, ये देखो दिख रहा है कुछ ऑफिस है, पता नहीं क्या। मैं कैसे कैप्चर करूं इसको, आंखों से इतना प्यारा लग रहा है ये, मतलब पता नहीं दिख कैसे रहा हो, लेकिन भाई क्या सीनरी है भाई, भाई बहुत प्यारा लग रहा है। ये है अपनी बिल्डिंग 11 नंबर। तो बस यार अभी हो ही गया सब कुछ, मतलब सिम लेना था बस ले ही लिया, थोड़ा घूमना था घूम भी लिया है। अब बस जाएंगे तो थोड़ा डिटेल से बताएंगे आपको कि अब मैं सोच रहा हूँ बैंक खुलवा लूँ, बैंक अकाउंट तो जो ऑनलाइन खुलता है, तो अभी देखता हूँ बैंक अकाउंट के बारे में। और वो भी उसका भी एक वीडियो बना दूंगा कि विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और सिम कैसे ले सकते हैं। मैं अभी जाके घर पर बात करता हूँ अच्छे से इन दोनों चीज़ों के बारे में, फिर उसके बाद रहने देते हैं, बाकी सब कुछ सही रहा। तो बाय।